ॐ महागणेशाय नमः। ॐ गंगणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से, मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों मैं देखिए फिर इम्पोर्टेंट वार्ता करूँगा। आज जो मेरी एक श्रृंखला चल रही है कि 2024 की द्वितीय तिमाही यानी अप्रैल मई जून में विभिन्न राशियों को कैसा फल मिल रहा है वो वार्ता करते करते मैं देखिए अभी मैं आज सिंह राशि की वार्ता करूँगा। देखिए मेरा ये प्रोग्राम जो है चंद्र राशि पर आधारित है। आप चंद्र राशि से देखें, चंद्र राशि नहीं मालूम तो लग्न राशि मालूम है तो लग्न से देखें, और लग्न भी नहीं मालूम तो फिर नाम राशि से देखें। और मित्रों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और देखिए अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं लिखें, नहीं लिखना चाहते तो माँ गणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर पाएं। मैं तो अभी देखिए मैं जो चर्चा कर रहा हूँ यानी मैं सिंह राशि के लिए आने वाला ये अब टाइम यानी अप्रैल मई जून 2024 का द्वितीय तिमाही किस तरह की होगी, क्या क्या मतलब मिलेगा। देखिए मैं आपको बड़े ग्रहों की बात भी करूंगा और फिर छोटे ग्रहों की बात भी करूंगा। तो बड़े ग्रह में देखिए बृहस्पति जो है अभी जो है सिंह राशि के लिए यानी नंबर 5 राशि लग्न में पहले भाव में आ गई, तो बृहस्पति मेष राशि वाले भाग्य भाव में है नवे भाव में। तो नवे भाव के बृहस्पति अभी अप्रैल के महीने में पूरे में भाग्य वर्धन तो करेंगे ही करेंगे, भाग्य आसमान को छुएगा यानी भाग्य आसमान को छूने का मतलब अनायास ही बिना प्रयत्न के बिना मेहनत के आपको लाभ मिलना। भाग्य अच्छा होता तो स्वतः ही मतलब लाभ जरा से परिश्रम से ही आपको अच्छा लाभ मिलता है। तो बृहस्पति जो है नवम भाव में बैठ करके देखिए आपको धन धान्य देंगे, आपके कर्म क्षेत्र में आपको कार्य अच्छा कराएंगे। और बृहस्पति देखिए जब ग्यारहवें नवे भाव में बैठे हुए हैं बृहस्पति, तो नवे भाव से देखिए उनकी दृष्टियाँ जो पड़ेंगी 1 2 3 4 5 पहली मतलब पंचम दृष्टि पड़ेगी लग्न पर। तो लग्न पर मतलब शरीर पर दृष्टि पड़ेगी जब बृहस्पति की, तो स्वास्थ्य वर्धन होगा। स्वास्थ्य वर्धन होगा मतलब स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आपका पर्सनैलिटी धार्मिक होगी, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, आप पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करेंगे। और देखिए शरीर स्वस्थ रहेगा, एक्टिविटी बढ़ी रहेगी, अपने कामों के द्वारा आप अच्छा लाभ पाएंगे, धन कमाएंगे। और सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके देखिए तीसरे भाव में, तो पराक्रम परिश्रम बढ़ा हुआ होगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। और नवी जो है दृष्टि पड़ेगी आपकी नवी धनु राशि पर पंचम भाव में, तो आपके संतान को भी अच्छा लाभ मिलेगा, संतान में अच्छी तरक्की करेगी, संतान को भी जो है अच्छा योग है मतलब परीक्षाओं में सफलता पाने का, शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने का। तो ये और देखिए बृहस्पति जब पहली मई से आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने का मतलब वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो वो वृषभ राशि आपके दसवें भाव में है, तो बृहस्पति आपके दसवें भाव में बैठेंगे यानी पहली मई से लेकर के मई और जून की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो पूरा दोनों महीना बृहस्पति आपके रोजगार के क्षेत्र में तरक्की दिलाएंगे, आपको नए नए काम दिलाएंगे, नए नए काम से सफलता दिलाएंगे, धन के आगमन होगा। और बृहस्पति देखिए दसवें भाव में बैठ करके फिर 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, तो भाई वाह क्या कहने, बृहस्पति आपको देखिए धन तो आएगा ही आएगा, धन भाव पर जब बृहस्पति देख रहे हैं तो धन क्यों नहीं आएगा। और सातवीं दृष्टि पड़ेगी सुख भाव में, तो सुख भाव में मतलब आप जो है सुख साधन की चीज़ें जो भी एक मई से मई जून में आप सुख साधनों की चीज़ जो भी आप पे नहीं है वो आप खरीद सकते हैं, जिन चीज़ों से आपको सुख मिलता है वो सब वस्तुएँ आप हासिल कर सकते हैं। मई जून में आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी, आप चाहें तो ज़मीन जायदाद मकान गाड़ी बेचना खरीदना उसमें लाभ पा सकते हैं। और फिर देखिए नवी दृष्टि आपकी पड़ेगी वृषभ राशि से जो है वो पड़ेगी छठे भाव में, तो नई नौकरी नया काम नया व्यापार सरकार से लाभ नया काम और रोग ऋण से मुक्ति बीमारी से मुक्ति सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ बृहस्पति आपके लिए अभी टाइम यानी अप्रैल मई जून
तीनों महीने में बृहस्पति का आपको बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है, धन दान मिलने वाला है, सुख साधन मिलने वाले हैं, संतान को तरक्की मिलने वाली है। और देखिए शनि जो है आपके कुंभ राशि में होंगे, तो कुंभ राशि का मतलब ग्यारहवीं राशि, वो आपके सप्तम भाव में है। सस महापुरुष राजयोग बना करके शनि बैठे हुए हैं और दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहा है। और देखिए दाम्पत्य जीवन यानी आपको कोई झगड़ा कुछ नहीं, और आपके दाम्पत्य जीवन में आप मधुरता आएगी और आपके देखिए पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा। व्यापार में आप पार्टनर्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, उसमें सक्सेस मिलेगी, कोई धोखाधड़ी नहीं मिलेगी, लाभ मिलेगा। तो शनि की वजह से आपको देखिए शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि बृहस्पति में पड़ेगी अभी तो अप्रैल के महीने में, तो उससे शनि को शनि की ताकत मतलब शनि भी जो है अपना बृहस्पति को बल देंगे। हालांकि बृहस्पति तो खुद गुरु है लेकिन बृहस्पति वो शनि के सपोर्ट पा करके और अच्छा भाग्य वर्धन, शनि भी भाग्य वर्धन करेंगे और बृहस्पति भी भाग्य वर्धन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया लाभ है। दोहरी दृष्टि है शनि की भी बृहस्पति की, अप्रैल के महीने में अच्छा योग है। और भाई मैं समझता हूँ आपका शनि की जो एक सप्तम दृष्टि पड़ेगी लगन पर, तो लगन का मतलब आपका शरीर पर, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। थोड़ा बहुत आपको देखिए तकलीफ हो सकती है, थोड़ा बहुत यानी दर्द वर्द हड्डियों का दर्द वर्द कष्ट हो सकता है। और आठ नौ दस दसवीं दृष्टि पड़ेगी सुख भाव पर, जहाँ बृहस्पति की दसवीं पड़ रही थी, तो डबल डबल देखिए सुख भाव में भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और सुख भाव में भी देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ आपको सुख तो सुख साधनों का तो बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है सिंह राशि वालों, सारे सुख साधन। और राहु केतु भी देखिए मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु, राहु आपके देखिए अष्टम भाव में बैठ करके अचानक धन की प्राप्ति कराएंगे। जो अचानक काम होते हैं अष्टम से होते हैं, आपको पैतृक संपत्ति पैतृक प्रॉपर्टी वगैरह का मिलने का भी योग है, अचानक धन का लाभ होने वाला है। और केतु आपके खर्चे थोड़े से संकुचित कर सकते हैं, आपके विचारधारा आपकी जो है नर्वनेस ला सकते हैं आपको, तो केतु आपके धन का थोड़ा सा बचाव कराएंगे। और देखिए आपको मैं समझता हूँ अब सूर्य जो आपके स्वामी हैं, तो वो सूर्य जो है 14 मार्च से 13 अप्रैल तो रहे मीन राशि में, तो मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, यानी 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे सूर्य राहु के पास। मीन राशि का मतलब जो है आठवें भाव में, तो सूर्य भी आठवें भाव से दूसरे भाव को धन भाव को देखेंगे, तो अचानक धन का लाभ कराएंगे सूर्य, यानी मार्च से लेकर 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक, तो मैं तो अप्रैल मई जून की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सूर्य जो है धन को देखेंगे, धन भाव को, तो धन तो आएगा ही आएगा और आपका परिवार भी सब ठीक ठाक रहेगा। और 13 अप्रैल से 14 मई फिर आ जाएंगे मेष राशि में, तो भाई आपकी राशि के स्वामी सूर्य मेष राशि में जब आ गए उच्च के, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, और देखिए मेष राशि है कहाँ पर, भाग्य भाव में, भाग्य भाव में 13 अप्रैल से 14 मई, तो 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तो बृहस्पति भी रहेंगे भाग्य भाव में, तो बृहस्पति और सूर्य दोनों मिलकर आपके भाग्य वर्धन करेंगे, भाग्य आपका आसमान को छुएगा, तो आपको भाग्य बस सब कुछ मिलेगा नौकरी में व्यापार में सब कुछ आपके। और बाद में बृहस्पति चले जाएंगे जब दसवें भाव में, तो नवें भाव में खाली सूर्य रह जाएंगे मेष राशि में अप टू 14 मई, 14 मई तक अकेले सूर्य जो आपको भाग्य वर्धन करेंगे। तो आपके राशि लॉर्ड हैं यानी सिंह राशि के लॉर्ड हैं सूर्य, और वो देखिए उच्च के बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, तो आपका तो बहुत ज़बरदस्त भाग्य बढ़ रहा है। और बाद में देखिए फिर 14 मई से 15 जून तक वृषभ राशि में आ जाएंगे यानी बृहस्पति के पास आ जाएंगे सूर्य फिर, तो सूर्य और बृहस्पति दोनों मिलकर के देव गुरु और ग्रहों के राजा आपको सुख भाव को देखेंगे दोनों मिलकर, तो सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। और कार्य क्षेत्र में जॉब में नई तरक्की, नया जॉब नया काम, सूर्य बैठे हुए हैं देखिए दसवें भाव में, तो सरकारी काम से लाभ दिलाएंगे, सरकार से लाभ दिलाएंगे, सरकारी नौकरी से लाभ दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है सरकारी कामों से विशेष लाभ दिलाते हैं।
सरकारी काम ही नहीं बल्कि अगर आप राजनीति के क्षेत्र में तो राजनीति के क्षेत्र में भी लाभ दिलाएंगे। और 15 जून के बाद 15 जून से 30 जून तक आ जाएंगे मिथुन राशि में। और देखिए मिथुन राशि आपकी 11वें भाव में है तो सूर्य फिर आ गए 11वें भाव में, तो लाभ भाव, लाभ का मतलब ही धन होता है। तो मैं तो समझता हूँ सूर्य आपके राशि स्वामी सूर्य भाग्य भाव में, कर्म क्षेत्र में और फिर देखिए लाभ भाव में, तो ये आपका पूरा अप्रैल मई जून का तीनों महीना बहुत ही शानदार योग बन रहा है। आपके राशि स्वामी सूर्य की विशेष कृपा मिल रही है। और देखिए मंगल आपके देखिए 15 मार्च तक तो मकर राशि में उच्च के रहे, और 15 मार्च के बाद 15 मार्च से 23 अप्रैल मंगल कुंभ में आ जाएंगे। मंगल और शनि की युति बनेगी कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि कहाँ है भैया, कुंभ राशि देखिए आपकी शनि शनि के साथ सप्तम भाव में है। तो सप्तम भाव में आठ बैठ करके लग्न को देखेंगे मंगल, मतलब 1, 2, 3, 4, 10वें भाव को देखेंगे और 4, 5, 6, 7 और सप्तम दृष्टि पड़ेगी लग्न पर और अष्टम दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। तो मंगल बड़े उच्च के मतलब मंगल जो है तो बहुत लाभ दे रहे हैं, यानी आपके शरीर को देख रहे हैं, शरीर को स्पष्ट बता रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं तो धन दे रहे हैं, और देखिए 10वें भाव को देख रहे हैं तो सरकार से काम, रोजगार, नौकरी, व्यापार सब कुछ लाभ दिला रहे हैं। तो मंगल भी आपके यानी बहुत ज़बरदस्त आपको 23 अप्रैल तक कुंभ राशि में, 23 अप्रैल से फिर 1 जून तक मीन राशि में, और मीन राशि जो है आपके 8वें भाव में तो अचानक धन दिलाएंगे, अचानक लाभ दिलाएंगे। और भाई उसके बाद देखिए भाई फिर मीन राशि के बाद 25 अप्रैल से 19 मई तक मेष राशि में, नहीं सॉरी 23 अप्रैल से 1 जून तक मीन राशि में, और 1 जून से 12 जुलाई तक फिर मेष राशि में। तो यानी 1 जून से पूरा पूरा जून का महीना मंगल जो है 1 जून से 30 जून तक जो है पूरा महीना मेष राशि में बैठेंगे, और मेष राशि के स्वामी हैं मंगल भाई। तो मंगल जो है पूरा जून का महीना लाभ भाग्य भाव में आ जाएंगे भाई, भाग्य बर्तन कर दिया भैया मंगल ने तो अपनी राशि में बैठ कर, राशि स्वामी कैसे नहीं आपको भाग्य बढ़ाएंगे। और भाग्य बढ़ेगा तो और मंगल की देखिए फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 बारहवें में दृष्टि पड़ेगी, 5, 6, 7, 8 अधिक सुख भाव में और 3रे भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो फिर सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, पराक्रम परिश्रम कराएंगे। यानी मंगल भी आपके जून में मई में सब अच्छा लाभ देंगे। और शुक्र देखिए आपके शुक्र जो है 7 मार्च से 31 मार्च तक तो कुंभ राशि में रहे, और मैं तो मार्च अप्रैल मई जून की बात कर रहा हूँ, तो 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे शुक्र। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं, तो 31 मार्च से 25 अप्रैल तक राहु के साथ शुक्र आ गए यानी अष्टम भाव में भाई। तो राहु और शुक्र दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, अष्टम से बैठ करके आपके देखिए अचानक से धन का लाभ दिलाएंगे, अचानक से धन पैसा, दोनों की दृष्टि शुक्र की और राहु की, शुक्र धन के स्वामी हैं, धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो धन का लाभ तो होना ही है, यानी आपको ऐसे काम मिलेंगे जिससे आपको धन का लाभ हो। ये जो है मतलब टाइम हो रहा मीन राशि में यानी 25 अप्रैल तक, और फिर 25 अप्रैल से देखिए 19 मई तक आ गए शुक्र मेष राशि में, तो मेष राशि फिर भाग्य भाव में है। तो शुक्र ने भाग्य वर्धन किया, भाग्य वर्धन करेंगे तो धन देंगे, शुक्र तो धन के स्वामी है, और भाग्य से 3रे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा देखिए, और पराक्रम परिश्रम जितना परिश्रम करोगे उतना धन मिलेगा। और देखिए उसके बाद फिर 19 मई से 12 जून तक वृषभ राशि में शुक्र आ जाए, वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है और 10वें भाव में है, तो कार्य क्षेत्र में शुक्र आ गए तो कार्य में आपको तरक्की, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वेतन वृद्धि, बॉस खुश, क्यों शुक्र की अपनी राशि है, अपनी राशि में शुक्र बैठे हुए हैं तो सब कुछ 10वें भाव से सब कुछ मिलेगा भाई, बहुत ज़बरदस्त योग बन रहा है। और भाई 12 जून के बाद फिर बाकी जो 18-19 दिन बचते हैं जून में वो जो है वृषभ राशि में ही रहेंगे, तो वृषभ राशि का मतलब क्या होता है भाई, वृषभ राशि का मतलब कार्य क्षेत्र में।
और देखिए अब एक ग्रह और है जो बचते हैं आपके बुध, तो बुध जो है 26 मार्च से 9 अप्रैल मेष राशि में रहेंगे। बुध जो है 26 मार्च से 9 अप्रैल, अब देखिए मेष में रहने का मतलब क्या है, बृहस्पति भी बैठे हुए हैं अभी वहाँ पर, बृहस्पति 30 अप्रैल तक वहीं रहेंगे, तो बुध का बृहस्पति का साथ होगा। देखिए देव गुरु और युवराज, बुद्धि विवेक ज्ञान दोनों ही आपके घर में कहाँ बैठ गए, बुध आकर के 26 मार्च से 9 अप्रैल मेष राशि में, मेष राशि भाग्य भाव में बृहस्पति के साथ, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है, आपका बुद्धि विवेक बहुत अच्छा काम करेगा, अपने बुद्धि के अनुसार आप काम करेंगे, धन आएगा, लाभ होगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा भाई मेष राशि में। और फिर 9 अप्रैल से 10 मई वापस मीन में आ जाएंगे, वक्र अवस्था में आकर के बुध 9 अप्रैल से 10 मई फिर मीन में राहु के पास जड़त्व योग बनेगा फिर दोबारा, और फिर राहु और बुध मीन राशि में बैठ करके यानी अष्टम भाव से फिर अचानक लाभ दिलाएंगे, अचानक शेयर मार्केट से अचानक धन का लाभ, अचानक जो काम होते हैं वो सब। और उसके बाद फिर देखिए दोबारा फिर जो है 10 मई से और 31 मई तक फिर मेष राशि में आ जाएंगे, और अब फिर बृहस्पति का संग बनेगा, पहले बृहस्पति का संग बना था भाग्य भाव में मेष का और मेष राशि में बृहस्पति का और बुध का, और अब जो है वृषभ राशि में बुध का और बृहस्पति का संयोग बन रहा है, कहाँ पर भाई 31 मई से और 14 जून तक, वृषभ राशि में जो 31 मई से 14 जून तक वृषभ राशि में बुध और बृहस्पति साथ साथ बैठेंगे, और फिर दसवें भाव से दशी पड़ेगी चौथे पर, तो देखिए सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, जॉब में तरक्की दिलाएंगे, बहुत बढ़िया लाभ रहेगा। और 14 जून से 29 जून तक मिथुन राशि में आ जाएंगे बुध, मिथुन राशि उनकी अपनी राशि है, तो अपनी राशि में आएंगे बुध तो भाई गजब का काम होगा, यानी लाभ भाव से बुध अपनी राशि में बैठकर लाभ ही लाभ यानी धन ही धन देंगे, और संतान पे दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, तो संतान को लाभ भी मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की होगी। तो मैं ये समझता हूँ भाई, और 29 जून से बाद में फिर तो आगे, अभी मैं केवल 30 जून तक की बात कर रहा हूँ, तो बस आप समझ लीजिए 29 जून तक मिथुन राशि में रहे बुध तो लाभ ही लाभ दिया। तो भाई मैं ये समझता हूँ सिंह राशि के लिए ये अप्रैल मई जून द्वितीय जो है तिमाही 2024 की कितना जबरदस्त धन लाभ दे रही है, भाग्य वर्धन हो रहा है और कार्य क्षेत्र में तरक्की हो रही है, और धन धान से बृहस्पति से बुध से शुक्र से मंगल से सूर्य से और शनि से सभी ग्रहों से लाभ ही लाभ मिल रहा है। तो भाई आगे 2024 का आगे आने वाला टाइम सिंह राशि के लिए बहुत धन धान्य दिलाने वाला, बहुत गजब का लाभ दिलाने वाला टाइम है मित्रों। तो मित्रों देखिए अभी मैं यहाँ विराम लूँगा और फिर आगे आऊँगा तो अब अगली राशि यानी कन्या राशि की चर्चा करूँगा, लेकिन आपसे निवेदन ये करूँगा कि मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जाते जाते कमेंट में अगर कुछ नहीं लिखना चाहते तो माँ गणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। मित्रों नमस्कार।